राम राजी इंटर कॉलेज नारायणपुर प्रीतमपुर हीरापुर अंबेडकर नगर की ऑनलाइन कक्षा 12 में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम इतिहास पढ़ेंगे जिसका लेसन है राजा और विभिन्न वृत्तांत मुगल दरबार। मुगल कालीन कला के अंतर्गत चित्रकला और स्थापत्य कला का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें जिसमें अनेक संरचनाओं का निर्माण हुआ जो निम्नलिखित हैं। मुगल काल में चित्रकला का विकास। विभिन्न मुगल शासकों के काल में चित्रकला के विकास का वर्णन निम्नलिखित है। बाबर काल। बाबर चित्रकला का प्रशंसक था। इसकी जानकारी हमें उसकी आत्मकथा से प्राप्त होती है। इसमें बाबर ने अग्रणी चित्रकार बीजाद की प्रशंसा की है। उसने आत्मकथा तजुके बाबरी भी चित्रित कराई थी। हुमायूं काल। भारत में मुगल कालीन चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय हुमायूं को जाता है। जब हुमायूं अपने निर्वासन के पश्चात फारस से भारत लौटा तो उसके साथ दो अग्रणी चित्रकार मीर सैयद अली तबरेजी तथा ख्वाजा अब्दुस समद भी भारत आए। इन दोनों को मुगल शैली का संस्थापक माना जाता है। दास्तान अमीर हमजा हमजनामा इस काल की प्रमुख चित्र श्रृंखला है। इसमें लगभग 1375 चित्र संकलित हैं। काजवीनी के अनुसार इसका निर्माण हुमायूं के द्वारा कराया गया, जबकि बदायूनी तथा शाहनवाज खां इसका श्रेय अकबर को देते हैं। अकबर काल। ये चित्रकला का शौकीन था। अकबर ने एक चित्रशाला का निर्माण करवाया जिसमें मीर सैयद अली अब्दुल समद दसवंत फर्रुख बेग जमरोद बसावन मिस्किन जैसे अनेक योग्य चित्रकार थे। इसमें दसवंत प्रमुख था। दसवंत के बीच चित्र रमजनामा में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त तूतीनामा तथा खानदान तैमूरिया भी इसी की रचनाएं मानी जाती हैं। अकबर के काल में रमजनामा महाभारत तारीख रसीदी वाक्यात बाबरी अनवार सुहैली आदि के चित्र बनवाए। रूप चित्र बनाने की कला भी अकबर के काल में शुरू हुई, परंतु इसे जहांगीर के काल में पूर्णता प्राप्त। अकबर के काल में भित्ति चित्र की शुरुआत हुई। जहांगीर काल। इस काल में मुगल चित्रकला का उच्चतम स्तर पर पहुंची। जहांगीर स्वयं उच्च चोटी का चित्रकार था। उसने अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में अकारिजा के नेतृत्व में एक चित्रशाला बनवाई थी। उसके दरबार में अकारिजा मोहम्मद नादिर मोहम्मद मुशद मनोहर माधव तुलसी मंसूर बिशनदास अब्दुल हसन दौलत आदि चित्रकार थे। शाहजहां काल। इसकी रुचि वास्तुकला में अधिक थी। इसके काल में चित्रों में बनावट तड़क भड़क अधिक थी और स्वाभाविकता की कमी थी। इसके काल में बॉर्डर पेंटिंग्स का विकास हुआ। फकीरुल्ला मीर हासिम चित्रा अनूप मुरार आदि इसके समय के प्रमुख चित्रकार थे। औरंगजेब काल। इसने चित्रकला को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। इसने सिकंदरा में अकबर के मकबरे के चित्रों पर चूना लगवा दिया। औरंगजेब के पश्चात चित्रकला का विकास क्षेत्रीय शासकों में संरक्षण में हुआ तथा राजपूत शैली कांगड़ा शैली बूंदी शैली आदि के रूप में विभिन्न चित्रकला शैलियां सामने आईं। स्थापत्य कला।
अकबर के शासनकाल से मुगल स्थापत्य कला का रूप अपने विकास की अवस्था में शुरू होता है, जैसे आगरा का किला, जामा मस्जिद एवं सलीम चिश्ती का मकबरा आदि। गुजरात में मुगल विजय की याद दिलाने के लिए मेहराबी शैली में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया। आंगन तथा बाग के बाद एक दो मंजिला भव्य कारवां सराय विशेष रूप से प्रशंसनीय शाहजहानाबाद की हृदय स्थल चांदनी चौक की रूपरेखा को भी जहां आरा द्वारा ही तैयार किया गया था।